गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस हेल्दी लाइफ सेशन। हम सब जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? बिकॉज अगर हमारे पास पैसा है, शोहरत है, घर बार है, गाड़ियाँ, और अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ का एंजॉयमेंट जीरो है। आई एम राइट? बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, जी मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता, मुझे एसिडिटी गैस बनती है, मैं रात को लेट तक एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे नींद नहीं आती, यू नो। सो मैनी हेल्थ चैलेंजेस पीपल फेस। वाई? तो अगर आपका कागज पेन है, अदरवाइज टाइप इन द चैट बॉक्स। लैक ऑफ एजुकेशन। हम सब अपनी तरफ से जितना हमें नॉलेज है अपनी हेल्थ की देखभाल कर रहे हैं, राइट? पीछे पता लगा था कि ऐसे ऐसे करने से बाल काले हो जाते हैं, तो वो भी लोगों ने किए। जो पता लगता हम कर लेते हैं। कोई कहता है जी सुबह पानी पियो, ये मिला के वो मिला के, सब कुछ कर सकते, जो हमारी कैपेसिटी में होता हम करते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? पर उसके बावजूद भी हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, क्यों? तो आज के सेशन में हमें कुछ जनरल 11 पॉइंट डिस्कस करेंगे आपसे, जो उन लोगों की रिसर्च के बाद निकाले हैं जो 100 साल तक हेल्दी लाइफ जीते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू एंजॉय योर हेल्दी लाइफ टिल 100 ईयर? कई लोगों को बोलो ना 100 साल जो, नहीं नहीं सुनील जी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं चाहिए। मैं कि अगर बढ़िया सी हेल्थ और खूब सारा पैसा हो, करोड़ों रुपया, तो क्यों नहीं जीना चाहोगे, टेल मी? और प्यार भी अगर पूरा मिल रहा है, बेस्ट ऑफ द हेल्थ, बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, बेस्ट ऑफ द करियर, बेस्ट ऑफ द मनी अगर हो, तो वाई नॉट? कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें जीवन मिलता है, तो उसको पूरा क्यों ना एंजॉय करें? तो हमने कम्युनिटी बनाई है जहां पे हम ये एनर्जी एजुकेशन एक्सचेंज करते हैं टू हेल्प एवरी वन हु इज सीरियस। जो लगता है नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो ऑब्वियसली फिर वो अगर रिसीवर ही नहीं है तो मिलेगा कैसे उसको फिर? बट इफ़ यू आर अ लुकर, दैट्स वाई यू आर हेयर, लिसन टू टूडे सेशन ओपन माइंडेडली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लिख लीजिए, आप एंड में पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स आप टाइप करके भेज दीजिए। तो आज का जो सेशन होगा उसके बाद आई विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशंस ऑल्सो, एंड आराम से इंजॉय करें, ओपन माइंड से, रिलैक्स होकर, फुल कॉन्सेंट्रेट, वीडियो ऑन करके बैठो। वीडियो ऑन करने से क्या होता है, आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन बनती है, नहीं तो बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा है। आप सोच रहे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो आप फिर इसको टाइम नहीं दे पाओगे। एंड इससे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सोच लीजिए। सो विद दिस आई विल स्टार्ट द सेशन टुडे एंड इन्वाइट टुडे स्पीकर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर लाइफ, यस, नॉट ओनली इन माई लाइफ, इन आवर होल फैमिलीज लाइफ, यू नो। ही इज आर सो कॉल्ड फैमिली डॉक्टर। हमारे बच्चों को भी कोई चैलेंज आता है तो फर्स्ट डॉक्टर उनका मैं हूँ, और जब मुझे लगता है भी ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं आया, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो फिर मैं इनको याद करता हूँ। एंड वी नो ईच अदर फॉर मोर देन 20+ ईयर्स। आप इमेजिन करिए 20 साल से ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप है, एंड वी आर लाइक फैमिली। तो ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, वेरी नॉलेजेबल। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आज से कुछ साल पहले तक, जब तक उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था, तो ही इज़ फ्रॉम मेडिसिन फील्ड, फार्मेसी फील्ड से हैं, और दवाइयों की इतनी नॉलेज, ऑब्वियसली फार्मेसी फील्ड से हैं तो सारी दवाइयों की नॉलेज। जब ये साथ जाते थे, ये उनकी वाइफ, तो हमें दवाइयाँ ले जाने की जरूरत नहीं होती थी, मेडिकल बॉक्स इनके पास होता था। और आज यही हैं जिन्होंने वर्चुअल डंडा मार मार के हमारे माइंड में, लाइफ में डाल दिया कि नो मेडिसिन, से नो टू मेडिसिन, बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो सकते हो तुम? अगर कोई हेल्थ चैलेंज आ भी जाता है, अव्वल तो आएगा नहीं, अगर आ भी जाता है तो कैसे बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं? उन्होंने हमें बहुत, नॉट ओनली मी, बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी में लोग हैं, सबको सिखाया है, एंड एवरीवन गिव्स रिस्पेक्ट टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइटिंग टुडेज स्पीकर फॉर द सेशन, एंड इफ यू आर ओपन यू विल लेट मोर चांस टू लिसन टू हिम, बिकॉज वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू कंडक्ट अ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन फॉर अस जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, एंड ही हैज अलाउड अस टू इनवाइट हिम ऑन आर स्टेज। एंड 26 जनवरी को उसका हम ऑरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या है वो प्रोग्राम, उसके बारे में हम और डिटेल आपको बताएंगे। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइटिंग मिस्टर रवि नागपाल टू स्टार्ट द सेशन टुडे। रवि जी, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड हियर यू आर विद अस। थैंक यू रवि जी फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। थैंक यू सुनील जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक बड़ी मशहूर कहावत है जो हमने सुनी हुई है, मेंस साना कॉर्पोर सानो। लोग सोचेंगे ये कौन सी भाषा आ गई है। मेरा पर्पस कहने का है कि ये कहावत हर लैंग्वेज में होती है, मेंस साना, ये लैटिन टर्म है। मेंस मतलब माइंड, साना मतलब साउंड, उसके बाद कॉर्पोर सानो, कॉर्पोर बॉडी,
एंड सानो साउंड, यानी साउंड माइंड साउंड बॉडी। सब जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, हम सब जानते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ये लैटिन टर्म ये भी बड़ी फेमस है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। पर्पस क्या है कि हमने अपनी बॉडी को अगर अच्छा रखना है तो अपने माइंड को भी अच्छा रखना पड़ेगा, माइंड को भी हमें अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। अडेप्टेबल बनाने से क्या होता है, हम यंग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। कैसे अडेप्टेबल बन सकते हैं, एक अच्छी सी नॉलेज लेके। नॉलेज किस बारे में, डेफिनेटली हेल्थ का सेशन है तो हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। उससे क्या होगा, उससे हमारा रैबिट और आगे चलेगा। अब क्वेश्चन आता है ये रैबिट कहाँ से आ गया। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब पैदा हुए हैं और दूर डिस्टेंस में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे आपका एंड लिखा हुआ है कि आपका लास्ट डेथ, जो पैदा हुआ है उसने मरना है। अब रोज हम एक एक कदम उसकी तरफ चलते जा रहे हैं। अब सोचिए कि वो बोर्ड एक रैबिट के ऊपर है और रैबिट मूव कर सकता है। जिस तरह से हम अपना लाइफ स्टाइल लेंगे, जिस तरह से हम हैबिट्स बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि रैबिट की डायरेक्शन किधर है। और रैबिट, अगर हमारी हैबिट्स गलत है, खाना पीना गलत है, हम ध्यान नहीं कर रहे, तो रैबिट हमारी तरफ चलना शुरू हो जाएगा और हम इधर से चलते जा रहे हैं, यानी कि हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, हम वहां पर और जल्दी पहुंचेंगे, जो आजकल हम देखते हैं प्री मेच्योर डेथ होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ नजदीक आते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर एजुकेशन ले लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रैबिट अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो भी उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है, जो पास आ रहा था, अब वो वापस अपनी जगह पे जा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन देन इम्प्लीमेंटिंग दैट एजुकेशन। ये वैल्यू होती है एजुकेशन की। नहीं लेंगे तो फिर वो हो ही रहा है, वो तो चल ही रहा है हमारी लाइफ में, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम ले लेंगे और उसको यूज करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको एक कहानी से रिलेट करता हूँ। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बताता है और गधा होते हैं, गधे पे लाद के चलते हैं। तो उसको मिट्टी में ढूंढते ढूंढते बहुत चमकीला पत्थर मिला। उसको लगा ये तो बड़ा अच्छा चमकीला सा पत्थर है, बड़ा सा, तो मैं इसको रख लेता हूँ। अब रखे कहाँ पे, उसने उस पर धागा बांधा और गधे के गर्दन में डाल दिया लॉकेट की तरह। अब वो चलता जा रहा था, सामने से एक जौहरी आया, उसने देखा अरे ये तो बहुत कीमती डायमंड है, करोड़ों रुपए इसकी कॉस्ट है। उसने कहा इसको कहाँ से मिल गया, इसको तो नॉलेज नहीं है। वो कहता हाँ भाई ये बेचेगा। वो कहता हाँ भाऊजी बेच देंगे। कितने पैसे लेगा? वो कहता जी 5,000 रुपए दे दो। ऐसे उसने तुक्का मारा। उसने कहा पागल 5,000 किस बात के, जो 1,000 रुपए ले ले, तुम क्या करे 1,000 रुपए ले ले। कहता नहीं भाऊजी, करते करते उसने कहा 3,000 दे दो जी, 3,000 से कम नहीं लूंगा। इसने कहा 1,500 दूंगा। बात नहीं बनी। जोरी ने कहा कोई नहीं, एक दो घंटे और छोड़ते हैं, इससे कोई लेना तो है नहीं किसी ने, तो मैं इससे फिर ले लूंगा 1,500। वो चला गया, आगे गया, एक और जोहरी आ रहा था, वो थोड़ा सा बेटर साउंड माइंड का था। उसने देखा कि ये तो बड़ा कीमती पे है। उसने कहा कितने का देगा? कहता जी 5,000 का। उसने हिम्मत करके कहा 5,000 बोलता हूँ कुछ तो दे देगा। उसने कहा 5,000 का। कहता अच्छा ये ले 5,000, और उसने ले लिया। कुम्हार बड़ा खुश। थोड़ी देर में वो पहले वाला जोहरी आया, उसने कहा भाई वो कहाँ गया, वो पत्थर मुझे दे दे। कहता भाजी वो तो मैंने बेच दिया। कहता कितने में बेच दिया? कहता जी 5,000 में। कहता बेवकूफ है, गधा है तू, बिल्कुल करोड़ों रुपए का था, तो 5,000 में दे दिया। कहता भाजी ठीक है, मैं नॉलेज नहीं थी, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता था, पर आपको तो पता था ना कितने का है ये। आप 1,000, 1,500, 3,000 के चक्कर में रह गए और आपने छोड़ा। आप ही हैं। तो आज हम जो नॉलेज ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें काफी कुछ पता लग गया है, और जो सुन रहे हैं ये भी हमें पता है, ये भी पता है। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर उससे भी खराब है ना, कि जिसको पता ही नहीं है, जिसको नहीं पता उसकी प्रीमैच्योर डेथ हो गई, बीमारी आ गई, तो चलो उसको नहीं पता था, लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर हमारे साथ वो बीमारियां आ रही हैं या हमारी प्रीमैच्योर डेथ हो रही है, तो फिर उसका क्या फायदा, अपने नॉलेज ली और वो सबने वेस्ट कर दी। सो इसलिए जो भी नॉलेज आज आप लेंगे, चाहे आपको मालूम है या नहीं है, बिकॉज अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारे लिए वो नई ही नॉलेज रीट्रेट हो रही है, तो वो भी एक तरह से नई है। कई चीजें रीट्रेट करने पे हमारे दिमाग में जाती हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो अडेप्टेबल माइंड का मतलब है कि इंफॉर्मेशन लें और उसको यूज करें। उससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। माइंड एक्टिव जब रहता है तो आप सोचिए, जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे माइंड में, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो हर न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है और स्प्लिट सेकंड में मैसेज पास ऑफ होता है, और वो 80 बिलियन न्यूरॉन से मैसेज जाता है हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को। हमारे सेल्स भी फिर वैसे ही बिहेव करते हैं। तो आप सोचिए कि नॉलेज लेंगे, उसको यूज करेंगे, तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, उसके बाद हमारे सेल्स भी यंगर रहेंगे, दे वोंट डिके फास्ट। अदरवाइज अगर हम नई नॉलेज नहीं लेते तो दे डिके फास्ट, जल्दी खत्म हो जाती है।
सो हमने लर्न भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है जिससे हमारा वो रैबिट उस तरफ चलना शुरू हो जाए. नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर. और हमें उस पर्सन की तरह नहीं बनना है जो 1,500-3,000 के चक्कर में उसने अपना वो कीमती स्टोन भी खो दिया था. सो लेट अस हियर कि क्या हम अच्छी चीजें कर सकते हैं अपने माइंड और बॉडी के साथ, बिकॉज साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड. डेफिनेटली हेल्थ के बारे में आज हम नॉलेज लेंगे, हमारे न्यूरॉन्स को हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे सेल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. और हमने जो नॉलेज लेनी है क्या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेनी है? मैं नहीं बिलीव करता. हमें कॉम्प्लिकेटेड वे से नॉलेज नहीं लेनी है, हमें सिंपल वे में नॉलेज लेनी है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ सके. आज मैं हेल्थ के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में भी बता सकता हूँ, साइंटिफिक टर्म्स में, डिटेल्ड टर्म्स में और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स दिखा के जिसमें आदमी को कुछ समझ आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन हम सिंपल वे में क्यों ना चले. आइंस्टाइन हम सबको पता है कि बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, उसने कितनी चीजें डिस्कवर की थी. रिलेटिविटी हम सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने वो फॉर्मूला बनाया था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया. उससे किसी ने कहा कि सर रिलेटिविटी को हम सिंपल वे में कैसे समझें, तो उन्होंने आइंस्टाइन ने बड़े सिंपल वे में बताया कि देखो आपको मैं बहुत गर्म चीज पे हाथ रखने को कहता हूँ कि एक मिनट के लिए रखो, तो आपको वो एक मिनट एक घंटे के बराबर लगेगा. लेकिन आज आप जिसको बहुत प्यार करते हो, वो लड़की है ये लड़का है जिससे आप बहुत मोहब्बत में हो, उसके साथ एक घंटा भी बिताओगे तो आपको लगेगा एक मिनट बीता है. दिस इज रिलेटिविटी. सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज रिलेटिविटी. और इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जो प्राइम एग्जाम्पल है आसानी से चीजें समझने का वो थी मूवी 3 Idiots. आई एम अ फैन ऑफ दैट मूवी. नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखी है. क्यों देखी है वो एक अलग रीजन है. तो हर बार मुझे उसमें से एक नया मैसेज मिला. बिकॉज एक आम मैसेज सबको पता है कि बच्चों को वो करने थे जो वो करना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ तो सफलता आपके पीछे आएगी. यस, बट मुझे कुछ और भी मैसेज मिले. एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला कि चीजों को सिंप्लीफाई कर लो. आप देखो एक कैरेक्टर मशीन की वो डेफिनेशन बोलते हैं तो वो रटी रटाई जो किताबों में लिखी है तो उससे क्या समझ आता है, और जो हीरो होता है सिंपल बोलता है कि जो हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर सके और टाइम बचा सके. लाइक जिप अप डाउन आपको याद होगा वो कैसे करता था, या सिंपल वे में साइकिल के थ्रू ही उसने कैसे उसको यूज किया कि भेड़ों की ऊन जो है वो निकालने लग गई, या स्कूटर से ही उन्होंने यूज किया कि गेहूं पीसने लगी. आई मीन देयर वाज सिंप्लीफाइंग द थिंग्स. इतने बड़े बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज नहीं करते हैं. उसमें एक कैरेक्टर बोलता भी है कि सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था, इसने तो इम्प्लीमेंट किया. तो इम्प्लीमेंटेशन इन अ सिंपल वे, लर्निंग इन अ सिंपल वे इज द बेस्ट थिंग. तो आज हम जो भी सीखेंगे कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, सिंपल वे में सीखेंगे. सीखेंगे किन लोगों से? उन लोगों से जैसे सुनील जी ने बताया जो 100 साल से ज्यादा की उम्र बड़ी कंफर्टेबली जीते हैं. हमें लगता है कि क्या ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे हैं जी. इस दुनिया में 5 zones को आइडेंटिफाई किया गया है जिसको ब्लू zones बोलते हैं, जहां पर यूजली लोग 100 साल से ऊपर के बड़ी एक्टिव लाइफ जीते हैं. 5 blue zones कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आती है ओकिनावा जापान में, उसके बाद आती है सार्डिनिया इटली में, 3rd number पे आती है लोमा लिंड कैलिफोर्निया में, और 4th number पे है द निकोया पेनिनसुला, वो है कोस्टा रिका में, और 5वीं है इकारिया ग्रीस में. यहाँ पर वो पॉपुलेशन रहती है जो 100 साल से ऊपर रहते हैं. तो अब अगर हम इन लोगों से सीखे कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई किया और इतनी अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो एक अच्छी चीज रहेगी ना हमारे साथ. तो ओकिनावा में साइंटिस्ट ने कुछ डेकेड्स पहले रिसर्च किया था, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये क्या चीजें ऐसे करते हैं जिससे यहाँ पर सभी सिटीजन की लाइफ इतनी अच्छी हेल्दी है, हैप्पी है और लॉन्ग लाइफ है. 100 साल, 118 साल, 115 साल, मतलब अगर कोई 97 इयर्स का होता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कहते हैं ही इज द यंगेस्ट इन आवर पॉपुलेशन. आप सोचिए वो यंगेस्ट बोलते हैं. और फिर वहां के लोग एक्टिव कितने हैं? वहां पर एक 97% के पर्सन ने एक बॉक्सिंग चैंपियन को डिफीट किया था. 95 इयर्स की लेडी ने अजगर को पकड़ के पूंछ से घुमाकर उसको मार दिया था क्योंकि उसको नुकसान करने आ रहा था. आप सोचिए कितनी एक्टिव लाइफ जीते हैं. तो क्या करते हैं वो, कैसे जीते हैं? तो पूरी रिसर्च की काफी लोगों ने, साइंटिस्ट ने भी की, कुछ ऑथर्स ने भी की, तो उन्होंने फिर अपनी फाइंडिंग्स दी कि वो ये करते हैं. तो मैंने कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए थे कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और हम भी उनको फॉलो कर सकते हैं बड़े सिंपल और इजी वे में. कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, इजी वे में उसको समझेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे. तो पहला पॉइंट उनका क्या था? दे नेवर गेट रिटायर्ड, ना फिजिकली ना मेंटली. इसका क्या मतलब हुआ कि वो कभी सोचते ही नहीं कि हम रिटायर हो गए.
इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, एनएलपी बोलते हैं, वो न्यूरॉन्स को एक मैसेज जाता है कि वी हैव अ रीजन टू लिव, और वही मैसेज वो बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स को देते हैं कि वी हैव अ रीजन टू लिव। तो वो कभी ना मेंटली रिटायर होते हैं ना फिजिकली रिटायर होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कई लोग रिटायर होने के बाद कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि अब क्या कर रहे हो, अब क्या करना है जी, बड़ी उम्र काम कर लिया, जिंदगी बिता दी, अब तो बस आराम करते हैं। मैं कहता हूँ रूटीन कैसे बीतता है, कुछ नहीं थी, हम सुबह मंदिर चले गए, फिर आके नाश्ता किया, थोड़ा सा टीवी देखा, फिर पार्क चले गए, थोड़ी देर बैठ के वहां ताश खेल ली, फिर खाना खाया, सो गए, शाम को भी हम थोड़ा सा ऐसे ही बाहर निकले और फिर टीवी देखा, वो देखा, खाया और सो गए। बिजी तो है, हर इंसान बिजी है, बट क्या प्रोडक्टिवली बिजी है? प्रोडक्टिवली बिजी रहने से आपके न्यूरॉन्स को एक नई ऊर्जा मिलती है, यंग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिससे आपके बॉडी के सेल्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं। क्योंकि इस तरह की जिंदगी बिताने वाले जो लोग हैं वो अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं बिता रहे होते, लंबी की तो बात हम बाद में करें, बट हेल्दी लाइफ नहीं बिता रहे होते, उनको कभी कुछ बीमारियां, कभी कुछ दवाइयां चल रही हैं। सो व्हाई बी लाइक दैट, व्हाई गेट रिटायर्ड मेंटली और फिजिकली, सो रिमेन एक्टिव ताकि हम अच्छी जिंदगी बीत सके। दूसरा पॉइंट था दे गो स्लो, मतलब जल्दबाजी नहीं होती किसी चीज। आज हमारी लाइफ में हम देखें तो सुबह में कई लोगों से मिलता हूं, भाग रहे होते हैं, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गया, जल्दी देर नहीं कर रहे हो। अरे वो रोज का ही रूटीन बन गया, एक आधे दिन की बात हो तो समझ आती है, रोज ही उनको लगता है मैं लेट हो गई, मेरी मेट्रो चली जाएगी, मेरी बस छूट जाएगी, मेरी वो छूट गई, स्कूल के बच्चों को भेजना, फटाफट तैयार करते हैं हरिडली। वो कभी ऐसा नहीं करते, वो काम एंड कंपोज वे में चलते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास टाइम बहुत है? नहीं, काम वो हमसे भी ज्यादा करते हैं, बट रिलैक्स वे में। क्यों? सिंपल उनका एक फंडा है जो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। जितने बजे भी आप उठते हैं सिर्फ 20 से 30 मिनट जल्दी उठ जाएंगे, 20 to 30 minutes। आप हैरान हो जाएंगे कि आप सारे काम वो कर रहे हैं, अपने आराम से भी कर रहे हैं, अनहरिड वे में, और माइंड भी आपका शांत है, और रादर प्रोडक्टिव ज्यादा हो गए हैं, कुछ ज्यादा काम कर लिया आपने, और कंफर्टेबल भी है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप कॉम एंड कंपोज रहते हैं तो आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो काम और कंपोज रखता है। अदरवाइज जो हरिडली फील करते हैं कि जल्दी करनी है, एंजाइटी क्रिएट होती है, तो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगर आपने कॉर्टिसोल वाला सेशन अटेंड किया हो, नहीं किया तो आप रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं, उसमें अगर देखो तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी, और कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी। तो इतनी सी चीज आप जो चीज रिलेट करती है हमारी इम्यूनिटी तक से, हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर से, कि हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। 20 से 30 मिनट इज नॉट अ बिग डील, 24 घंटे में 20 मिनट थोड़ा पहले उठ लिया, यू विल फील गुड। सो दे गो स्लो, वो कंफर्टेबली ये सारा काम करते हैं, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती है कि हमने इस तरह से करना है। और फिर अगर हम लेट भी हो रहे होते हैं तो फिर हम अपने माइंड में क्या सिग्नल देते हैं, या किसी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बहुत है आजकल इसलिए लेट हो गए, या कुछ और प्रॉब्लम थी उसके हो गए, बच्चों की बस लेट आएगी। हम एक कुछ तरह की एक्सक्यूज देते हैं अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए, उससे भी हमारे अंदर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, बिकॉज अंदर से हमें पता होता है कि कहीं हमारी गलती है। सो बी ओपन एंड एडमिट, अगर हो भी गए हैं तो। हाँ भी, एक आई एम रिमाइंडेड ऑफ US प्रेसिडेंट, मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक 4 मिनट लेट आए थे, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप लेट हो गए हो, एंड ही वॉज वेरी कैंडिड एंड ही एडमिटेड वेरी फ्रेंकली, येस आई एम लेट बिकॉज आई स्टार्टेड लेट। सिंपली मैं बोल दिया, शांत हो गया माइंड कि मैंने भी, मेरी गलती है। क्योंकि जब आप गलती मानते हैं तो अगली बार उसको गलती को सुधारते भी है, इससे अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है तो आप कॉम एंड कंपोज रहते हो, बीमारियां पास में नहीं आती, नहीं तो हम एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं तो एंजाइटी क्रिएट। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जने नोट करें, आई बिलीव आप लोग नोट कर रहे होंगे पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है कि जब वो खाते हैं वो उतना नहीं खाते कि जितनी उनको भूख है, वो उसका 80% खाते हैं, 3/4 कह लीजिए, मैक्सिमम 80%। इसका क्या बेनिफिट है? इसके इमेंस बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज किया है, बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। सबसे पहले तो आप कभी ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आपकी ओबेसिटी वाले या वेट वाली जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो कई लोग कहेंगे फिर हमें तो भूख लगती है इतनी, यस, लेकिन उसके तरीके हैं। हालांकि हमारा जो हेल्थ मास्टरी एजुकेशन प्रोग्राम आने वाला है, वहां डिटेल में इसको बताया जाएगा कि कैसे आप 80% खाकर भी आपका पेट भरा रहेगा, आपको एनर्जी पूरी मिलेगी और आप एक्टिव रहेंगे और वेट भी नहीं बढ़ेगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। पर शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि जब आप
खाएं उसको स्लो खाएं, जैसे वो हर काम स्लो करते हैं तो धीरे खाएं, टाइम निकाल के खाएं, चबाएं ज्यादा, यूजली हम चबाते नहीं है, चबाएं ज्यादा और पूरा फोकस रखें खाने के ऊपर। चबाएंगे जब ज्यादा तो खाना मुंह में लिक्विड हो जाएगा, तो आपको जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है वो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअल में डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होना चाहिए, पेट तक तो जब जाए वो लिक्विड ही हो जाए तो उसमें क्या होगा, पेट को कम काम करना पड़ता है। देखिए जब भी हम खाते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। आपने कभी नोट किया जब आप पेट भर के खा लेते हैं तो उसके बाद नींद आती है, सुस्ती आती है, दिल नहीं करता कुछ करने को और हम सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरी एनर्जी खाने को पचाने में लग जाती है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे। और जब एनर्जी वहां लगती है तो पेट और ब्रेन का जो डिस्टेंस है काफी है, तो जो ऑर्गन जितना दूर होगा पेट से उतनी कम उसको न्यूट्रिशन उस समय मिलेगा, तो इसलिए वो लेथार्जिक हो जाता है। तो जब हम कम खाएंगे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और मुंह में ही अगर लिक्विड हो जाएगा तो डाइजेशन के लिए भी कम एनर्जी चाहिए होगी, तो हम उतने लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, उतने सुस्त फील नहीं करेंगे, तब भी एक्टिव रहेंगे, डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा, पेट ठीक रहेगा, हमारा गट जो है सारा उसकी गट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, सिर्फ इस चीज से कि हम जितना भी भूख है उसका 80% खाएं। लेकिन जनरली ट्रेंड हमारा क्या रहता है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। एक मैंने कहानी सुन ली, किंग था नीरो, उसको खाने का बहुत शौक था, वो इतना खाता था, इतना खाता था, खाता ही जाता था, और उसने डॉक्टर रखे हुए थे बिकॉज किंग था, अफोर्ड कर सकता था। वो खाने के बाद उसको बाथरूम में ले आकर उसको वॉमिट करवाते, वो वॉमिट करता, उसके बाद आके फिर खाया था, दिन में 15-20 बार ही खाता था, उसको खाने का शौक था। अब हमें हंसी आती है कि ये तो बेवकूफी है, लेकिन ध्यान से सोचें क्या हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं? हमने डॉक्टर रोज के लिए नहीं रखे, लेकिन 4-6 महीने बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इनडाइजेशन हो गया है जी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है जी, मेरे को लूज मोशन हो गया है जी, मेरे को ये हो गया है, फिर वो हमें दवाइयां देते हैं जी, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। वो वही तरीका है बट मॉडर्न तरीका है। क्यों हम इतना खाएं, क्यों इतना ठूस ठूस के खाएं? 80% तक खाओ, आप कितने कंफर्टेबल रहोगे? तो ये उनका एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, उनको अच्छी लाइफ रहने का, बीमारियों से दूर रहने का और हेल्दी रहने का। चौथा पॉइंट क्या है, हमारे जो नॉन लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वक्त बिताना, फ्रेंड्स अराउंड, ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप उनके साथ रहते हैं, जो अच्छे दोस्त हैं आपके साथ रहते हैं, उनके साथ कितना खुश होते हैं आप, गेम खेलते हैं आप, एंजॉय करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप ट्रांस। आप फ्रेंडशिप ट्रांस में पहुंच जाते हैं, अब मतलब टाइम उनसे निकालेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, खुश होंगे, उनके साथ हंसेंगे। आई एम रिमाइंडेड, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों को आप याद ही रखेंगे जब आप खुल के हंसे थे। आप सोचिए, याद कीजिए ऐसा कब वक्त आया था कि मैं इतना हंसा था, खुल के हंसा था कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे, पानी निकलना शुरू हो गए थे। याद कीजिए, आपको कुछ कुछ मौके शायद याद आएंगे क्योंकि इतना खुल के कभी हंसे ही नहीं। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन इंसिडेंट, एक मेरे फ्रेंड की बेटी की शादी थी और एक हमारा फ्रेंड इज हाईली सैंग्विन, वो बस मजाक ही करता रहता है हर टाइम। उस दिन पता नहीं वो क्या फॉर्म में था, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, हमारा हंस हंस के बुरा हाल था, मतलब इतना पानी निकल रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं आज भी याद करता हूँ। तो ये मोमेंट याद रहते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, जो हैप्पी केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं, डोज केमिकल्स, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो डोज केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हैप्पी केमिकल्स जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है या डोपामीन है, जब ये रिलीज होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और आप एंजॉय करते हो। लोगों ने मतलब अनजाने में या जान के इसको फॉलो करके अपने कैंसर तक को डिफीट किया हुआ है। स्टेटिस मोराइटिस नाम का पर्सन, जो मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया था, उनको जब कैंसर था तो अपने गांव में चले गए, तो दोस्तों के साथ जा रहे थे, 18 साल बीत गए जिनको 6 महीने का टाइम दिया था। सोचिए ये इतना जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो खुश रहिए। और एक मैंने कहावत सुनी थी, राइटिंग थी, उसमें किसी ने लिखा था, आपने भी पढ़ी होगी, कि एक जहां हार्ट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, वहां लिखा हुआ था, अगर दिल खोल के हंस लेते यारों के साथ तो आज दिल नहीं खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। ऐसे ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। तो आप खुश रहिए ना, हेल्थ अच्छी रहेगी, केमिकल्स रोज रिलीज होंगे आपके, हैप्पी केमिकल्स। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। बड़े सारे लोग कहेंगे जी हम भी प्रायोरिटी देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस को जब हम फील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्रायोरिटी देना ये नहीं होता है, प्रायोरिटी होता है कि उस हेल्थ के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो जो नॉलेज आप ले रहे हैं अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हम शायद पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं,
हमें रोज कहते हैं कि सुबह वॉक पे जाओ, हम जाते नहीं, आलस आ गया, शायद प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन पता लगे कि आज उस पार्क में जो भी जाएगा 1-1 लाख रुपया वो दे रहे हैं, तो देखिए प्रायोरिटी बनेगी नहीं बनेगी। पैसे को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है वो बहुत जरूरी है, हमें वो देना भी है, बट अगर हेल्थ ही नहीं होगी, जैसे सुनील जी ने शुरू में बताया, तो उस पैसे को भी लेके क्या करेंगे, अल्टीमेटली किसी डॉक्टर को देंगे, किसी हॉस्पिटल को देंगे। और वही कहावत है कि सारी उम्र हम पैसा कमाते हैं हेल्थ की कॉस्ट पे, फिर सारी उम्र नहीं 50 साल तक, फिर उसके बाद वो हेल्थ को रीगेन करने के लिए वही पैसा फिर लुटाते रहते हैं। तो शुरू से ही अगर आप फोकस रखेंगे कि हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, तो अच्छा पैसा कमा भी पाएंगे और इम्पोर्टेंटली उसको अपने पास रख भी पाएंगे, अपने हिसाब से उसे यूज भी कर पाएंगे। तो वहां पर एक रूल फॉलो करते हैं वो लोग, गेट फिट बिफोर योर नेक्स्ट बर्थडे। तो इस लाइन को पकड़ लीजिए कि जब भी आपका बर्थडे है, आप सोचिए मेरा बर्थडे कब है, मुझे उससे पहले फिट होना है, या मैं फिट हूं तो और फिट होना है, फिटर होना है। So get fit before your next birthday, इस लाइन को लिख के लगा लो, अपने आप को रोज रिमाइंड करवाओ, get fit before your next birthday, देखिए आपकी लाइफ में कैसा चेंज होता है, टारगेट बन गया आपको। ये वो फॉलो करते हैं तभी वो 100 साल से ज्यादा की जिंदगी हेल्दी वे में जीते हैं। ये सब प्रिंसिपल्स हैं उनके जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद छठा पॉइंट है, दे स्माइल अलॉट, दे स्माइल, दे लाफ, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज है जो कॉर्टिसोल डाउन होता है और हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वी कीप ऑन स्माइलिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं भी जाने तो भी स्माइल करके ग्रीट कर देते हैं। ये हैबिट मैंने देखी बाहर के कंट्री में बहुत अच्छी तरह रहता है, कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, सुबह वॉक कर रहा था, कोई भी पर्सन आ रहा है, हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे ही बोल देते थे स्माइल करके, फिर मुझे बड़ी अच्छी हैबिट लगी। यहाँ पर लोग थोड़े ना स्टिफ होके चलते हैं मैंने देखा, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो राम राम जी करेंगे और नमस्कार करेंगे, बट ज्यादातर लोग अपना स्टिफ चलते हैं कि अपने ध्यान में चल रहे हैं, लगता है कभी स्माइल किया ही नहीं होने, तो इस भी एक हैबिट डाल लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आपका जो जो है ना, जब ये स्माइल करते हैं तो ये डीएनए तक चला जाता है, जीन्स तक चला जाता है, और एपिजेनेटिक्स क्या बोलते हैं, इससे हमारे जीन का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। यानी कि अगर जेनेटिक डिजीज भी है, अगर हम ये हंसेंगे और स्माइल करेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे जीन्स की वर्किंग बेटर हो जाती है, परफॉर्म बेटर करते हैं, पुरानी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है बाकी चीजों के साथ। सो कोई भी सीन आप याद करिए अपनी लाइफ का, जब आप बहुत हंसे थे उसको आप जैसे याद करते हैं, तो आपके चेहरे पे ना अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है। तो कई बार साथ वाला बैठा वाला पर्सन देखता है, अरे यार ये तो अपने आप ही हंस रहा है, कोई बात नहीं, परवाह मत कीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए जितना भी आप एंजॉय कर सके। इससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम और अच्छी तरह एक्टिवली काम करता है। एक मैं आपको टिप देता हूँ, कभी आप टेस्ट करवाने जाते हैं, देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक फिनोमेना है कि डॉक्टर के पास गए, ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो वो हाई मिलता है, इसको व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, कितनी घबराहट हो रही होती है जब टेस्ट करा रहे होते हैं, लगता है जैसे हमारा एग्जाम होने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा, पढ़ाई की नहीं है हमने, पता नहीं क्या क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, वो माइंड में होता है। तो कॉर्टिसोल इतना रिलीज होता है तो वो बीपी बढ़ा देगा, शुगर भी बढ़ा देगा। तो मैं आपको टिप देता हूँ, जब भी आपको टेस्ट करवाने जाना है पैथोलॉजी लैब में, आप ना पहले कोई कॉमिक फिल्म देख लीजिए या कॉमेडी शो देख लीजिए, बड़े अच्छे कॉमेडी शो हमारे पास आते हैं, कपिल शर्मा जैसे, वो देख लीजिए, कोई जोक्स पढ़ लीजिए और हंस लीजिए। आप इतना हंसिए, इतनी खुशी के साथ आप लैब में जाएं, अपने टेस्ट कराएं, आपको रीडिंग में डेफिनेटली फर्क मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये तो उससे अच्छी मिली है, करना क्या, हंसना ही तो है, खुल के हंसिए और तब जाके अपना टेस्ट कराइए, यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर रीडिंग्स। सेवंथ पॉइंट है, कनेक्ट विद नेचर। नेचर से हम कनेक्ट होते हैं, कभी कभी आप बैठे पेड़ों के साथ, उनको अप्रिशिएट किया, बर्ड्स को अप्रिशिएट किया, एनिमल्स को अप्रिशिएट किया, ये सब वो चीजें हैं जो आपके बीपी को काम डाउन करते हैं, शुगर को काम डाउन करते हैं, इतने सारे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं जस्ट कनेक्टिंग विद नेचर। आप सोचिए, एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अब आ गया, ये हम हेल्थ मास्टरी एजुकेशन प्रोग्राम अभी जो लॉन्च कर रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम आई टेल यू। मतलब जो जो उसको ज्वाइन करके जो नॉलेज लेगा ना, वो ऐसी ऐसी टिप्स मिलेंगी कि अपनी हेल्थ को इतनी अच्छी तरह से ध्यान कर पाएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली का। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हम अर्थ के साथ कब कनेक्टेड होते हैं। आप सोचिए, कब आप नंगे पैर घास पे, जमीन पे, या जमीन पे आप रहे थे, फर्श की बात नहीं कर रहा, जो आप घरों में होते हैं वो फर्श होता है, एक्चुअल में जमीन पे जाके नंगे पैर आप कब टच हुए थे, याद भी नहीं आता। वो इतनी बड़ी थेरेपी है जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है, ये वो लोग फॉलो करते हैं और इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, तभी तो हेल्दी रह रहे हैं। हम अब रिसर्च की वेट करते हैं कि रिसर्च आएगी तब हम उसको फॉलो करेंगे, तब भी नहीं करते, वही फिर जोहरी की तरह हो गया कि हाँ पता है इतने का, लेकिन फिर भी हम कन्नी काट लेते हैं कि अच्छा कर लेंगे, अभी तो सर्दी, अभी तो ये है। बट
जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, पेड़ों से, जानवरों से, पक्षियों से, उनकी आवाजें सुनेंगे, तो इतना अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से रिस्पोंड करती है उस तरह से। एट्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। हम सब जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड की क्या वैल्यू है, लेकिन हम कितना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं रोज? क्या हम भगवान को रोज थैंक्स करते हैं? जब हम उठे हैं, हम उठे पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। हमारे अंग प्रत्यंग सब अपना काम कर रहे हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आते हैं, डोज केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। ये डोज केमिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हार्मोन्स का बैलेंस क्रिएट होता है इससे। आप इमेजिन कीजिए कि हार्मोन्स जब बैलेंस में रहेंगे, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस बैलेंस में रहेंगे। तो मैंने एक लेडी को काउंसिल किया था, दैट टाइम शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और इतना डिप्रेस्ड फील करती थी कि बस मैं कह इस तरह से और जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उनको बड़ा काउंसिल किया, उनको मैंने बताया कि कैसे खुश रहना है, किस तरह से रहना है। उसके बाद उन्होंने उसको फॉलो किया, और एक रीजन और भी था कि उनके एक पेट की डेथ हो गई थी, तो और ज्यादा डिप्रेशन में थी। उनको जब उससे बाहर निकाला, फिर उन्होंने एक पेट और खरीदा। मैंने इंसिस्ट किया कि आप एक और पेट खरीदो अगर आपको उससे खुशी मिलती है। उसके साथ जब कनेक्टेड हुई, अकेली रहती थी, उसके साथ कनेक्टेड हुई, उसके साथ सेवा करने में लग गई, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ग्रेजुअली शी केम आउट ऑफ दैट कंडीशन ऑफ कैंसर। वो हेल्दी हो गई बिल्कुल। तो इतना फर्क पड़ता है नेचुरल चीजों से कनेक्ट करने में। वो लोग तो कनेक्टेड ही नेचर से रहते हैं, वहां को इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी नहीं। एंड आई वुड सजेस्ट बी थैंकफुल। थैंकफुल रहने के भी तीन तरीके हैं। सबसे पहले फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ करो ना, किसी क्या गलतियां की थी, इट्स ओके। अगर हेल्थ में भी कुछ गलतियां की हैं, स्टिल फॉरगिव योरसेल्फ कि ठीक है, मैंने गलती की थी, नाउ आई कैन रिवर्स माय डिजीज। बिकॉज कोई भी डिजीज, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर रिवर्सिबल। ये हेल्थ मास्टरी एजुकेशन प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि थायराइड हो या कैंसर हो या बीपी हो या शुगर हो, व्हाटएवर, यू कैन रिवर्स देम विद योर लाइफस्टाइल। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफस्टाइल खराब हुआ तो डिसऑर्डर हुए, लाइफस्टाइल ठीक होगा तो वो ठीक भी हो जाएंगे। और लोगों ने किए, हजारों लोग हैं जिन्होंने ठीक किए हैं। उस प्रोग्राम में आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी, जो सिंप्लीफाइड वे में होगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं होगी, और इजी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करने का। प्लस अगर आप चाहेंगे तो वहां से आपको कोच भी मिल सकता है, जो पर्सनली आपको हेल्प करेगा इसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते। तो अगर हेल्थ में भी कुछ गड़बड़ियां हुई है, तो फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लर्न टू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को भी माफ कीजिए, जो हो गया हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से किया उस समय जो उनको ठीक लगा, तो फॉरगिव देम आल्सो, फॉरगिव अदर्स आल्सो। तीसरा है सीक फॉरगिवनेस। अब दूसरों से सीक भी कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि वो भी हमें फॉरगिव करेंगे। आप एक्सपेक्ट तो कीजिए, आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो भी करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे न्यूरॉन से जो ये मैसेज आएगा हमारे 60 trillion सेल्स को, तो हमारे सेल्स बिहेव करते हैं उस हिसाब से, हमारे ऑर्गन वैसे काम करते हैं। सरप्राइजिंगली यू विल फील कि इस ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग से मेरी हेल्थ कितनी अच्छी होती जा रही। और जो नहीं फील करते हैं, कलपते रहते हैं कि मेरी तो बीमारी है, मेरी तो किस्मत यही है, मैं कहता यही है, तो वो देखिए कभी ठीक भी नहीं हो पाते, और एक के बाद दूसरी बीमारी लगती जाती है। सो दे प्रैक्टिस दिस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंसा है, जिन्होंने बहुत जबरदस्त रिसर्च की थी इसमें, उन्होंने बताया था कि जब आप इस ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आ जाते हैं, तो आप हार्ट कॉन्शियसनेस आपकी अवेकन हो जाती है। क्योंकि दिल से ही तो ये काम होते हैं, किसी को माफ करना अपने को या सामने वालों को, ये दिल से ही तो होगा, ये लॉजिक नहीं होगा। हमें हार्ट पर्सन बनना है, हमें हेड पर्सन ही नहीं रहना है। ठीक है, लॉजिक जहां जरूरी है वहां चाहिए, लेकिन यहाँ इमोशंस की बात है। तो जब हार्ट पर्सन बन जाते हैं, तो यू फील सो गुड अबाउट इट, और अल्टीमेटली आप हार्ट ट्रांस में चले जाते हैं। इसको हार्ट ट्रांस बोलते हैं। और आपको क्या मैं बताऊं कि जो हार्ट से जो इमोशंस होते हैं, यहीं से इमोशंस यूनिवर्स में जाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर आप सीखते हैं कि यूनिवर्स इमोशंस की भाषा समझता है। हम जो भी बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे इमोशंस जगे, और सीधा हार्ट से अगर वो फीलिंग निकलेंगे फॉरगिवनेस की, तो वो इमोशंस यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, और वहां से मल्टीफोल्ड होकर वापिस आते हैं। तो अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं, तो मल्टीफोल्ड होकर वो फीलिंग्स आपके पास आएंगी, तो लोग आपको माफ करेंगे, तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। ये सब वो ओकिनावा के लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने बताया कि हम ये रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो हम भी ये फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अबंडेंट लाइफ आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास अबंडेंस है, बहुत है मेरे पास, हर चीज बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, लोग भी, रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हार्ट की ट्रांस में आप चले जाते हैं, उससे इमोशंस जल्दी ट्रेवल करते हैं यूनिवर्स में, जिससे आपको मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। नौवा पॉइंट है, दे लिव इन द मोमेंट, जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। क्या मतलब हुआ, कुछ फकीर था, मतलब आप सोचिए जैन फकीर,
उससे किसी ने पूछा कि आप मतलब कैसे इतने खुशहाल रहते हैं या मोमेंट में कैसे जीते हैं, क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, जब मैं खाना खाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, जब मैं बागवानी करता हूँ तो बागवानी करता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो मैं चलता हूँ। उनको समझ नहीं आया, बोले ये तो कुछ समझ नहीं आया, तो हम भी तो खाते हैं। बोले नहीं, जब आप खाते हो आपका माइंड कहाँ पे होता है? शायद आपकी अपनी फैक्ट्री में होता है, दुकान पे होता है, ऑफिस में होता है, किसी के झगड़े सुलझाने में लगा। आप खा तो यहाँ रहे हो लेकिन आपका माइंड कहाँ है, तो आप खाने के समय खाना नहीं खा रहे, एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, वो जो हार्ट वाला जो प्रोसेस होना चाहिए इमोशनल लेवल का वो नहीं हो रहा। तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव ही नहीं रहता, वो डाइजेस्टिव जूसेस ही नहीं निकलते, बिकॉज डाइजेस्टिव जूसेस का भी ना प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेब देखा, अब सेब देखते ही आपने उसको देखा, आपके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो गया कि क्योंकि सेब से आपके माइंड में कुछ कुछ मेमोरीज कनेक्टेड है कि ये खाने की चीज है, खाते हैं तो ये टेस्ट होता है, तो आपके अंदर इंसुलिन निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई अब ये सेब आने वाला है या कोई और कोई भी और चीज खाने वाली है। आप अपने पास लाते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया और तेज हो जाती है अंदर की, अब स्मेल भी आ गई है तो इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप उसको मुंह में जब करते हैं तो वो पूरी तरह से तैयार होते हैं इंसुलिन कि हाँ अब ये खाना आएगा और हम इसको इमिजिएटली जो भी हमने इसका करना है वो कर लेंगे। लेकिन अब हमारा माइंड कहीं और है, हम देख टीवी रहे हैं, बात किसी कुछ और कर रहे हैं या परेशानी है और हम खा रहे हैं, हमारे अंदर तो कोई मैसेज गया ही नहीं कि खाना आने वाला, क्योंकि हमारा माइंड एक समय में एक ही तरफ ध्यान करता है ना, तो हम सोच कहीं और रहे हैं और ये हम खा रहे हैं, तो इंसुलिन अंदर से तैयार ही नहीं है। जो कोई रेडी नहीं है और एकदम से कुछ चीज आ गई तो टाइम लगेगा ना उस प्रोसेस में, तो डाइजेशन ठीक नहीं रहती है, डाइजेस्टिव जूसेस पूरी तरह से नहीं निकलते हैं, तो बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं पूरी अटेंशन वहां रखें, खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान उस खाने पर रखें, आपको टेस्ट भी ज्यादा आएगा। अदरवाइज हम खाने के बाद कई बार सोचते हैं कि यार क्या खाया था और टेस्ट क्या था, भूल ही जाते हैं, कितनी रोटी खाई थी वो भी भूल गए, ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना पूरा फोकस उस पे कीजिए, उस समय बाकी चीजों को छोड़ दीजिए कि आई डील विद इट लेटर ऑन, आई डील विद इट लेटर ऑन, अभी मैं खाना खा रहा, अभी मैं ये काम कर। तो वो ये रेगुलरली फॉलो करते हैं, इससे आपका क्या होता है कि अदरवाइज जब आप खा रहे हैं और सोच को छोड़ रहे हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्टेड हैं ये एंटेंगल्ड हो जाते हैं, जैसे हम उड़ाते थे ना पतंग तो कहते हैं गुंजल पड़ गए, तो वो सारे उलझ जाते थे, उसको छुड़ाना कितना मुश्किल होता था, तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी वो गुंजल पड़ गए, एंटेंगल्ड हो गए। अब जब तक वो सुलझेंगे नहीं कैसे वो प्रॉपर मैसेज आएगा हमारी बॉडी के सिस्टम को कि ये काम करना है। तो जब हम माइंडफुल रहते हैं तो धीरे 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 वो डिसएंटेंगलमेंट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक ही तरफ फोकस कर रहे हैं, तो फिर मैसेज हमारे सेल्स को वही जाएगा जो हम एक्चुअल में देना चाहते हैं। तो इसलिए और उसके बाद जो डिसएंटेंगल हो जाते हैं तो कई न्यूरॉन्स बिल्कुल रेडी होते हैं नई एक्सेप्टेंस के लिए, नई नॉलेज के लिए, अदरवाइज उसमें वो एक्सेप्टेंस के लिए तैयार भी है लेकिन वो इतने उलझे हुए थे मैसेज वहां तक जाता नहीं है। वो जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद जैसे हम लर्निंग लेते हैं, जैसे आज की बात कर रहे हैं, तो बड़े आराम से वो रिसीव करते हैं न्यूरॉन्स, फिर उस हिसाब से हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को मैसेज भेजते हैं। 10वां पॉइंट क्या है, दे मूव अ लॉट। आपको हैरानी होगी, ओकिनावा जैसी जगह पे ट्रेन्स है ही नहीं, या तो वो लोग पैदल चलते हैं या साइकिलिंग करते हैं या लंबा डिस्टेंस है तो खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर नहीं रखते, चाहे वो 110 साल का पर्सन होगा खुद ही ड्राइव कर लेता है। ट्रेन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज नहीं है वहां पे, दे मूव अ लॉट, ये उनका मोटो है कि हम खुद चलेंगे। चलने से क्या होता है या साइकिलिंग करने से क्या होता है, लेग्स जो है आपकी इन्वॉल्व रहती है, लेग मसल्स जब इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम वो एक्टिव रहता है, सारी चीजें सुचारू रूप से काम करती हैं। बिकॉज अगर आपने पढ़ा हो, पीछे मैसेज भी आया था कि वॉकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता लगेगा उसमें, उसमें पढ़ सकते हैं कि सारे सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम वॉक करते हैं, और मसल्स आपके जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आखिरी दम तक आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने पैरों पे चल पाएंगे, रेस भी लगा पाएंगे। आप देखते हैं ये सेंटेनेरियंस मतलब मैराथन्स भी दौड़ लेते हैं, तो हैरानी होती है कि कैसे इतनी अच्छी लाइफ बिताते हैं यही प्रिंसिपल्स फॉलो करके, दे मूव अलॉट। लास्ट पॉइंट जो है इसको बोलते हैं प्रैक्टिस इकिगाई। इकिगाई नाम की एक बुक लिखी हुई है कुछ ऑथर से, उन्होंने भी सर्वे किया था ओकिनावा में जाके कि ये लोग कैसे जीते हैं। इकिगाई का मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है, लाइफ गोल क्या है, क्या आप उसके हिसाब से जी रहे हैं या जी किसी और हिसाब से रहे हैं, आपका पर्पस कुछ और था या पर्पस ही नहीं था। सो पर्पसलेस जिएंगे तो न्यूरॉन्स में कंफ्यूज होंगे कि हम किस लिए जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो किस लिए उठ रहे हैं, कोई पर्पस है सुबह उठ रहे हैं तो कुछ खुशी महसूस हो रही है या कुछ है कि आज हमने ये काम करना है,
अगर purposelessly जिएंगे तो फिर हमारे neurons confused रहेंगे, neurons confused रहेंगे तो हमारे cells confused रहेंगे, तो हमें proper वो health नहीं मिल पाएगी जो हमें चाहिए। इसको basically कहते हैं quantum principle of health। तो quantum में जिए ना कि हमें पता है कि हमें किस लिए जीना है और हमारा purpose क्या है, जो भी आपका purpose है। क्योंकि तो फिर वही बात जहां से मैंने शुरू की थी, mens sana corpore sano, यानी माइंड हमारा साउंड रहेगा तो बॉडी भी साउंड रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो जो भी आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, फिर उस पर्सन की तरफ ना हो जाए जिसने वो स्टोन खो दिया था। कि पता है आज बड़े सारे लोग हैं जिनको ये सब नॉलेज शायद होगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, इससे कम भी हो, लेकिन जरूरी क्या है कि क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर वो पत्थर तो फिर हमारे लिए बेकार हो गया ना। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही रैबिट जो हमारी तरफ तेजी से चलता आ रहा था, लाइफ स्पैन कम होता जा रहा था और अनहेल्दी होता जा रहा था, वही हेल्दी भी होगा, लाइफ स्पैन हमारा प्रॉपर होगा, लंबा होगा, जैसे लोग 120 साल तक जीते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी बनी हुई है 120 साल तक के जीने के लिए। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम उसको 60-70 पे ले आए हैं, तो फिर हमारी वो लाइफ वहीं तक चली जाएगी, वो रैबिट फिर उधर चलेगा, हम भी उसके पीछे चलेंगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ बिता पाएंगे। सो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच आई कंपाइल्ड। इसमें से काफी पॉइंट्स हैं जो मैं तो अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूँ, कुछ और भी हैं जिनपे मुझे काम करना है, बिकॉज डोंट थिंक वी ऑल आर परफेक्ट, बट जितना ज्यादा हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी अच्छी हमारी लाइफ रहेगी और हेल्दी रहेगी। सो आई बिलीव दिस वाज अ थिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू वेरी मच रवि जी, मतलब तालियां बजाने का दिल कर रहा है और आई थिंक वी ऑल आर क्लैपिंग, एम राइट? जिन लोगों के वीडियोस ऑन है मैं देख सकता हूँ, और जिनके वीडियोस नहीं है वो भी आई एम श्योर अपने घर बैठ के जरूर क्लैपिंग कर रहे होंगे। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वी आर नॉट परफेक्ट, और मैंने स्पेशल हाईलाइट उठाया एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, लिव इन द मोमेंट। ऑल दो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट वाइल ईटिंग, मैंने खाने के अंदर काफ़ी चेंजेस लाया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैंने स्टॉपवॉच ऑन करके कैलकुलेट किया, पहले मैं 2 चपाती खाने में 7 मिनट लगाता था, एवरेज 6 से 7 मिनट। जब से मैंने माइंडफुलनेस शुरू की अपनी, तो वही 2 चपाती खाने में 20 मिनट लगते हैं मुझे। सुबह उठ के जब मैं पानी पीता हूँ अपना, तो उस पानी को पीने में मुझे कम से कम 5 मिनट लगते हैं, 1 लीटर पानी पीने में। तो आई बिलीव एक्चुअली में ये चीजें काम करती हैं, और उसी का नतीजा है कि आज आई एम बीपी फ्री। और आई लाइक दिस पॉइंट दैट एवरी ईयर बर्थडे से पहले और फिट होना है। Thanks to association with you that you have inculcated these habits in us, and I am not complimenting myself. People compliment me, जी आप तो पहले से ज़्यादा young लग रहे हो। मैंने कहा अभी 5 साल बाद और मिल रहा मुझे, आप फिर देखो। तो बहुत ही powerful points हैं सारे के सारे, and I am eagerly looking forward for this Health Mastery Education program, which will actually transform our life. जब एक 15 सेशंस का प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ लोगों को जिन लोगों का आइडिया नहीं है। 15 सेशंस हम लोग करेंगे एवरी संडे 12 से 1, जैसे आज संडे आपने निकाला, तो ये अपना हेल्प टाइम निकाल लीजिए, मी टाइम, और आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड करें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 0.01%, बिकॉज मैंने देखा कि लाइव अटेंड करने का मजा अलग ही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आर ऑल्सो देयर, इन आर ए सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, और आप उसमें से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आई बिलीव जब सेशन हमारा ख़त्म होगा तो 1 महीने तक आपको एक्सेस रहेगा उसका, लाइफ टाइम ही एक्सेस रहेगा उसका, 1 महीने तक रहेगा। क्योंकि अगर बहुत लंबा छोड़ दें फिर आप काम अच्छा देख लूँगा कर लूँगा, वो बंदा डिले हो जाता है, कर नहीं पाता, वर्क एक्सपैंड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो ये सेशन हम लोग फर्स्ट संडे ऑफ द फरवरी से शुरू कर रहे हैं, 5 फरवरी, 26 जनवरी को इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ स्टार्टिंग ऑन 26th of January, बट फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th February। और आपकी वो जोहरी वाली कहानी बड़ी अच्छी लगी मुझे, आई थिंक वो फिट होती है यहाँ पे भी, कि हमने ऑब्वियसली इस एनर्जी प्रोग्राम के लिए एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही कम रखा है, कि भाई इतना कम रखें कि लोगों को पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। तो द एनर्जी एक्सचेंज प्राइस इज 3100। अब किसी की शादी में जाते हैं हम, अच्छा थोड़ा सा रिलेशनशिप हो, तो कम से कम कितना सेकंड डाल के आते हैं बताएं, 5000, चलो नहीं 3100, तो मतलब 2100 तो एक, जैसे पहले 1100 होते थे वैसे 2100 हो गया, अब 1100 धोने में भी शर्म आती है, 2100 तो बंदा अड़ोसी पड़ोसी की शादी में देता, थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा होता है 3100 तो डाल के आता ही है। तो मैं पूछता हूँ आपका अपने आप से रिलेशनशिप कैसा है यार, बताइए।
और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमने एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है कि इफ यू ज्वाइन टुडे यू हैव टू पे ओनली 2100 रुपीज। तो आपको मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ रेजर पे पे चैट बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी हेल्थ के लिए तो आप उस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं बाय पेइंग। और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसका स्क्रीनशॉट हमें जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज स्क्रीनशॉट जब हमारे पास होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको आपको डेटाबेस में हेल्प मिलेगी हमें हेल्प कर उसके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी ये मैं आपको यहाँ पे देखना आ रहा है क्या? नहीं आया ना। एक सेकेंड मैं एवरीवन टू ऑल कर देता हूँ। अब देखें आ गया ना। हाँ तो 2100 रुपये का सगन अपनी और अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए अगर आप डाल सकते हैं तो डालें। यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, जैसे भी आप चाहें इसके थ्रू आप कर सकते हैं पेमेंट। और स्क्रीनशॉट आप जरूर अपना शेयर करें। सोमा जी आपने हैंड रेस किया, पूछना चाहते हैं कि आप? ओके एक सेकेंड दीजिए जब तक हम यस मैडम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी बोलिए आप करिए अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। सर ये सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 10th वाला जो पॉइंट आपने बताया ना, पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, उस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालते तो थोड़ा और क्लियर हो जाता, क्योंकि मेन वही है, समझ ही नहीं आता कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बड़ा गहरा पॉइंट पूछा सर इन्होंने वैसे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा लेकिन हाईलाइट नहीं किया उन लोगों ने। थैंक यू सो मच। आप इसको इस तरह से लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा पर्पस या गोल ऑफ लाइफ क्या है, अभी ना हम बहुत सारी चीजों में उलझे होते हैं, इसीलिए हमारे ना ब्रेन में फॉग होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे उलझे क्या होते हैं कि हमें बच्चों की लाइफ देखनी है, हमें अपनी हेल्थ देखनी है, हमें ये देखना है। आप एक इमेजिन कीजिए, मैंने कहा ना अबंडेंट लाइफ इमेजिन कीजिए कि मेरे पास सब कुछ है, टाइम भी है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, सब रिलेशन अच्छे हैं, उस समय मैं क्या करना चाहूंगी? अपने आप से पूछो मैं क्या करना चाहूंगी, वहां आपको पता लगेगा कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हो या आपका पर्पस क्या, आपने क्या सोचा है। अभी क्या है कि इन चीजों में हम इतने उलझे हुए हैं कि वो चीज ऑब्सक्योर हो जाती है, वो नजर ही नहीं आती है। तो आप सिर्फ सोचिए कि मैं उस समय क्या करूंगी, सब कुछ है मेरे पास, एक इमेजिन कीजिए, तो उससे आपको पता लगेगा। सिर्फ कई लोग बोलेंगे ये सब हो जाए तो मेरे को लिखने का शौक है, मैं लिखूंगा। आज वो नहीं सोच पाते क्योंकि घर की वो नून तेल लकड़ी कहते हैं ना, उसमें बिजी है तो लिखने का ही वक्त नहीं मिलता। किसी का होता है कि मुझे डांस करने का शौक है लेकिन मेरी जॉब ही सुबह से लेकर रात तक चलती है, मैं डांस कब करूं? अब आपको कोई चिंता नहीं है ना पैसे कमाने की ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अब मुझे क्या करना है। कईयों को होता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। एक मैं लेडी से मिला था, उसका मन था कि मैं एक ओल्ड एज आश्रम खोलना चाहती हूँ, उसको मैंने हेल्प किया था इसी तरह से। उसने जब उसको फॉलो किया, आज वो अपना ओल्ड एज आश्रम चला रही है और कम से कम 150 इनमेट्स हैं। तो उसको पर्पस ऑफ 150 इनमेट्स हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया ना उसको। तो ऐसे ही आप ढूंढ सकते हैं ये सोच के कि सब कुछ है मेरे पास, अब मैं क्या करना चाहती हूँ। यू विल गेट योर पर्पस ऑफ लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोमा जी फॉर आस्किंग दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। So if anyone has any question, we still have 5 minutes left. So आप अपना hand raise कर सकते हैं, we can ask you to unmute. या आज से क्या सीखा आपने, कोई experience आज के session में क्या line आपको अच्छी लगी, अगर आप share करना चाहें तो you are most welcome to share what benefit. अब थोड़ा सा program के बारे में मैं और आपको brief कर देता हूँ कि ये program जो है ये Zoom पे होगा every Sunday 12 से 1,
और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, बट आई विल एनकरेज अटेंड लाइव और पूरी फैमिली के साथ बैठें। और ये 15 संडेज तक चलेगा, 15 हमने इसके अंदर सेशंस रखे हुए हैं, जिसके अंदर ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी विजडम आपको मिलेगी विच आई कैन प्रोमिस यू यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। और द वे दैट इंफॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड, यू हैव सीन रवि जी का जो सबसे यूएसपी है रवि जी का, वो इनका जो एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं ना, सीधा एक मतलब मैं सी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ आप सोचिए, और आज इनकी छत्र छाया में रह के आई एम अ हेल्थ कंसल्टेंट नाउ, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी का पर्पस है हेल्थ कोच बनने का भी, तो आपके लिए सेशन बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आप कोचिंग कैसे देंगे जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई जिस दिन करने लग जाएंगे, यू विल बिकम अ कोच बाय डिफॉल्ट लाइक आई एम। तो आज हम उस नॉलेज को पहले लिया और हमने उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ के अंदर, और आज हम उसको लोगों को हेल्प कर रहे हैं आगे। सिंपल है, इट्स सो इजी टू बिकम अ हेल्थ कोच, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ डिग्रियां लेने के बाद भी आप इतने इफेक्टिव नहीं बन सकते जो आप उसको खुद एक्सपीरियंस जीते हो जिस चीज को आप। तो ये बेनिफिट है इस कम्युनिटी का। तो अगर आपका वो पर्पस है कि हाँ मुझे लोगों की हेल्थ अच्छी करनी है, और उसके साथ में अगर कुछ पैसा भी आ जाए, इफ यू थिंक यू हैव एनफ मनी, आप पैसे को चैरिटी में दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फ्री में ज्ञान की वैल्यू नहीं होती एक्चुअली, देखा यह गया है। इसलिए हमने एनर्जी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। फ्रॉम लास्ट 20+ years वी वर शेयरिंग दिस नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट पीपल आर नॉट वैल्यूइंग इट, सो दे फोर्स्ड अस टू चार्ज एंड नाउ दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन, एंड आई बिलीव वी ऑल मस्ट हैव जॉइंड एंजॉयड द सेशन। और मैं एक बार सबको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, दिल से रवि जी को हम थैंक यू बोलते हैं। लेट अस ऑल अनम्यूट आवरसेल्व्स एंड गिव आवर ब्लेसिंग्स। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, थैंक यू रवि जी, थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रवि जी, बाय बाय।